नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बांदा में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही पड़ोसी युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है और घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात कल रात बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के कालू कुआं एरिए में हुई है, जहां के रहने वाले पैलानी तहसील के जसपुरा ब्लॉक में तैनात लेखपाल लाला भैया वर्मा के दो बेटे विक्रम और रजनीश का आपस में झगड़ा हो रहा था और एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। इसी बीच उनके पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड फौजी शिव मोहन सिंह अपने घर से निकलकर इन्हें गाली गलौज करने को मना करने लगे, लेकिन जब यह नहीं माने तो आरोपी रिटायर्ड फौजी ने अपने घर से दो नाली बंदूक ले आया और लेखपाल के बड़े बेटे विक्रम के ऊपर फायर कर दिया, जिसे वह बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। इस मामले में घायल के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली में आरोपी फौजी शिव मोहन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब एक विक्रम वर्मा नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 18 साल है, ये कालू कुआं कोतवाली शहर बांदा का रहने वाला है। इसके बाएं साइड में छाती में गोली लगी थी और उसको भर्ती किया गया था और उसको प्राथमिक उपचार करके उसको कानपुर बेहतर इलाज के लिए भेजा गया, क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। क्या कुछ बताया है, कैसे गोली लगी? बताया कि आपस में कुछ झगड़ा झगड़ा हो रहा था, कोई पड़ोसी ने जो है उनकी गोली मारी है, उसी से घटना घटी। ये 8:30 के आसपास ये सूचना मिली को कालूपा चौकी क्षेत्र में कि एक व्यक्ति रिटायर्ड फौजी के द्वारा एक गोली मारी गई है, जिसमें पता चला जब मौके पर जाकर जांच की गई तो ये पता चला कि पारिवारिक कलह की वजह से क्षुब्ध होकर पड़ोस में रह रहे रिटायर्ड फौजी के द्वारा ये गोली चलाई गई थी, जिसमें मौके पर पहुंचकर तुरंत घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है और फौजी को गिरफ्तार करके बंदूक लाइसेंसी बंदूक सहित गिरफ्तार करके थाने पर दाखिल किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा